about the suppository that for the rectal and vaginal problem. Okay, ointments, your definition here. Ointments are preparations that are used externally on the skin. They are external application but different from the creams. हम इसको mostly ऐसा होता है कि ointment और creams में हम जब बात करते हैं ointments की, so हम difference करने के लिए creams का reference करते हैं. Greasiness बहुत ज़्यादा होती है as compared to the cream, और इनकी greasy base होती है. अच्छा, base होती क्या है? आपने देखा है हम solution बनाते हैं तो एक solute होता है, एक solvent होता है. Solvent is the base. इसी तरीके से ointment में हमको solvent तो use नहीं करें, ठीक है? तो हमारे पास different formulation bases होती हैं जिनके अंदर हम अपने medicament को as a carrier medium, कि उसको carrier कहलाता है उसका, जो उसको site of the action तक drug को पहुंचाता है. The most ointments are immiscible with skin secretions because greasiness इनके अंदर ज़्यादा होती है. तो जो स्किन के सिक्रेशंस होते हैं, वाटर सिक्रेशंस होते हैं, उसके साथ के इमिसिबल होते हैं. तो सिस्टमैटिक एक्शन जो है ऑइंटमेंट्स कम देते हैं, ठीक है? ऑइंटमेंट यूजली कंटेन अ मेडिकमेंट और अ मिक्सचर ऑफ मेडिकमेंट डिसॉल्व और डिस्पोज द बेस. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस आर द बेस ऑफ ट्रेडिशनल ऑइंटमेंट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द वैक्सेस, फैट्स एंड ऑयल्स. जो भी बेस इस्तेमाल की जा रही है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वैक्स, फैट्स एंड ऑयल्स. वैक्स अलग है, फैट्स के अलग ओरिजिन है और ऑयल्स के अलग है. वैक्सेस क्या है? सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर होते हैं. फैट्स होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. फैट्स जो हैं वो सेमी सॉलिड हैं, सॉफ्ट एट द रूम टेम्परेचर. अभी हम किसी केमिकल कंपोजिशन पे या केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं. ऑयल्स क्या हैं? दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. अच्छा, अगर हम इनकी प्रोपोर्शंस को ऑर्डर करते हैं, लाइक जिस कॉम्बिनेशन में वो कंबाइन कर रहे हैं ऑयल, फैट एंड वैक्स को इन द ऑइंटमेंट, दे आर वेरी द कंसिस्टेंसी. जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वैसे हम इसके अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल वैक्स जो है वो ज़्यादा सख्त होगी, तो एक्स्ट्रा ऑयल विल मेक द ऑइंटमेंट लेस विस्कस. आपके अंदर अगर आप उसके अंदर ऑयल ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो विस्कस नहीं रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी. मतलब आप उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उसकी फ्लोएबिलिटी जो है इज़ कम्पेयर टू द वैक्सेस, यानी वैक्स जो है वो वेरी वेरी हार्ड है. तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए ऑइंटमेंट बेस जो हार्ड हो और काफ़ी देर तक रिटेन रहे, तो फिर आप उसके अंदर ऑयल कम डालेंगे. समटाइम्स आपको ऑयलीनेस ज़्यादा चाहिए तो ऑयलीनेस आप ज़्यादातर डालते हैं, ठीक है? आपको सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसके अंदर फैट्स की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? ओके, देयर आर द फोर मेन ग्रुप्स: हाइड्रोकार्बन बेसिस, एब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर रिमूवल बेसिस एंड वाटर सॉल्युबल बेसिस. हाइड्रोकार्बन बेसिस एंड ऑरिजिनस ऑइंटमेंट बेसिस, एग्जाम्पल इज द वाइट पेट्रोलेटम, जिसे हम वाइट पेट्रोलियम जेली भी कह सकते हैं, या सिंपल पेट्रोलियम जेली जो घर में आपको अवेलेबल होती है, जिसे हम वेजडीन के नाम से जानते हैं, ठीक है? दे यूजली कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट पैराफिन और कुड बी द मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट पैराफिन विद हार्ड पैराफिन और लिक्विड पैराफिन. इसके अलावा हाइड्रोकार्बन बेसिस में आपके पास वाइट ऑइंटमेंट भी एज ए बेस यूज़ किया जाता है, येलो ऑइंटमेंट भी किया जाता है. तो वाइट ऑइंटमेंट के जो है ऐसा ऑइंटमेंट दैट इज कंसिस्ट ऑफ द 5% ऑफ द वाइट वैक्स एंड 95% ऑफ द वाइट पेट्रोलियम जेली. यानी ये वाइट वैक्स जो है ये भी वाइट वैक्स के नाम से मिलता है. इसके अलावा येलो ऑइंटमेंट के अंदर येलो वैक्स आपको मिलेगा. असल में द वाइट वैक्स एंड द येलो वैक्स दे आर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन and the petrolatum that are also used, ठीक है? Small amount of aqueous component can be incorporated in these. इसको use किया जाता है because they क्योंकि वैक्सी है ये, तो they have the prolonged contact time. Occlusive dressings में इसको इस्तेमाल किया जाता है. Occlusive dressings क्या होती हैं? जहाँ पर ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है, ठीक है? माइनर कट्स वगैरह में, बहुत मेजर में नहीं यूज़ करते, rather माइनर जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पर इसको occlusive dressings का तौर पर यूज़ किया जाता है. इमोनेंट एक्शन है एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉश आउट. ओके, नाउ द एब्जॉर्प्शन.
absorption basis, they are consist of the basis. अच्छा absorption basis पढ़ने से पहले अभी हमने पिछले स्लाइड में white wax और yellow wax का जिक्र किया. जो येलो वैक्स हैं दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द हनी बी कॉम, यानी शहद की मक्खी के छत्ते से डायरेक्ट आइसोलेटेड जो वैक्स है दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द येलो वैक्स. अगर येलो वैक्स को आप कार्निवर वैक्स के साथ कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें, यस अ कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्निवर वैक्स एंड द बी वैक्स इज कॉल्ड एज द वाइट वैक्स. अच्छा जी, जो कार्निवर वैक्स है दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्राज़ीलियन पाम ट्रीज, ठीक है, ब्राज़ील में ही होते हैं ये. ब्राज़ीलियन पाम ट्रीज के अंदर जो फाइंड आउट होता है या जो प्रेजेंट है वैक्स दैट इज कॉल्ड एज द कार्निवर वैक्स. सो इट्स अ नेचुरल ओरिजिन. अभी तक मतलब एनिमल से ज़्यादातर वैक्सेस जो है वो हासिल किए जाते हैं, लेकिन दैट इज़ द फर्स्ट प्लांट आइसोलेटेड वैक्सेस. वैसे तो वैक्स जो है वो प्लांट से भी हासिल किया जा रहा है, लेकिन ब्राज़ीलियन जो वैक्स है दैट इज मोस्टली यूज इन द फार्मास्यूटिकल, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज द कार्निवर वैक्स. अच्छा, अब्सॉर्प्शन बेसिस क्या है? अब्सॉर्प्शन बेसिस दे आर कंसिस्ट ऑफ द दे अलाउ एक्चुअली द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एक्व सोल्यूशन एंड दे आर फॉर्मिंग द वाटर एंड ऑयल इमल्जेंस. में हम एब्जॉर्प्शन बेसिस को यूज़ करते हैं जब हमें वाटर एंड ऑयल इमल्जेंस बनाने हैं. दे गिव द एमोलियन प्रॉपर्टी. द फॉर मोस्ट एग्जाम्पल आर द हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियम एंड लेरोनिन. लेरोनिन है दैट इज आइसोलेटेड और एक्सट्रैक्टेड, बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द वूल, जो स्किन और द वूल ऑफ द शीप. शीप से आइसोलेटेड है, एनिमल से आइसोलेटेड है लेरोनिन, ठीक है. इट्स एन ऑयल, बेसिकली लेनोलिन इज एन ऑयल. और पेट्रोलेटम आपको पता ही है, दैट इज़ द पेट्रोलियम जेली. समटाइम्स लेनोलिन को कंबाइन कर दिया जाता है एमल्सीफायर वूल अल्कोहल और वूल फैट. अच्छा, लेनोलिन जो है इट्स सेल्फ एन ऑयल विच कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स. लेनोलिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वूल अल्कोहल एंड वूल फैट, यानी जो फैट मौजूद हैं वूल के अंदर और जो अल्कोहल के कॉन्टेंट्स कॉम्पोजिशन हैं दे आर कॉल्ड एज एमल्सिफाइंग वूल अल्कोहल्स और वूल फैट. समटाइम्स सिर्फ लेनोलिन को पेट्रोलियम जेली के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ऑब्जॉर्प्शन बेसिस बना देती हैं. समटाइम्स उसके अंदर एमल्सिफायर के तौर पर जो वूल अल्कोहल यूज होते हैं, यानी लेनोलिन इज अ थिक ऑयल जिसके अंदर वूल अल्कोहल एंड वूल फैट मौजूद है, इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है. इन दोनों को यानी वूल अल्कोहल को वूल फैट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू फ्रॉम द लेनोलिन दे कैन बी सेपरेटेड. अब हम इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सुपरफिशली बता रही हूँ. अगर सिर्फ पेट्रोलियम जेली को यूज़ करना चाहें लेनोलिन के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है. इसके अलावा इसको कंबाइन भी किया जा सकता है सिर्फ वूल अल्कोहल्स के साथ या फिर वूल फैट के साथ भी, जो कि शीप से ही आइसोलेटेड है उसके साथ. दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज अब्सॉर्प्शन बेसिस. एक्चुअली जो वूल फैट है इट कंटेन 0.25% वाटर. 0.25% वाटर की मौजूदगी की वजह से ये अब्सॉर्प्शन बेसिस में इस्तेमाल हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एक्व सॉल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या एमएसी ट्रस्ट को, क्योंकि एक्वस मीडियम में सॉलिबलाइज हो जाती हैं. या हमें वाटर इन ऑयल इमल्जेंस बनाने हैं तो उसके लिए जो हमें बेस चाहिए उसके अंदर हम ये वूल फैट को ऐड कर देंगे ताकि ये एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज हो जाए फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कम्बाइनिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल. तो एब्जॉर्प्शन बेसिस कैन बी यूज एज एमल्सिफायर ऑल्सो इफ़ दे आर कंटेनिंग द वूल फैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर इन ऑयल. बिकॉज ऑफ अगर लेनोलिन यूज़ किया जाएगा तो उसके अंदर तो वूल फैट हो गई जो कि 0.25% है. इसी तरीके से अगर वूल फैट को यूज़ किया जाएगा तो डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ 0.25%. सो दैट्स वाई हम इसको अब्सॉर्प्शन बेसिस में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द वाटर रिमूवेबल बेसिस. सर बेस ओके, दिस आर द वाटर सॉल्युबल बेसिस. दे आर हाइड्रोफिलिक बेसिस. वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक? बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब
moisture, or they can absorb some water molecules so that their consistency or thickness become thin. यानी ये sometimes ऐसा होता है कि accept कर लेते हैं water molecule को, जिसकी वजह से ये जो हैं थोड़े से thin हो जाते हैं, तो rheological change आ जाते हैं इनके अंदर, ठीक है. They have been developed from polyethylene glycol. Their core has a microbes. They are non-occlusive. ठीक है, mixed readily with this consecration, and they can be removed by washing. They are actually oil in water emulsions. ठीक है, water soluble bases जो हैं, they contain hydrophilic. They are also called as the hydrophilic bases and water soluble bases. Basically. They are prepared by using the polyethylene glycol. They can absorb moisture, they become thin. ठीक है, microgels जो हैं वो local anesthetics के तौर पे use किया जाता है. For example, lidocaine, उसके अंदर water soluble bases को use किया जाता है. greaseless ointment bases हैं as compared to the water soluble constituents. ठीक है, और एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल बेसिस दे आर ग्रीसलेस. ठीक है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट बेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लाइडोकेन बीपीसी. ठीक है, दे आर नेक्स्ट आर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स. प्रिपरेशन मेथड, दे आर प्रिपेयर बाय टू मेथड, बाय फ्यूजन मेथड एंड बाय इनकॉर्पोरेशन मेथड. प्रिपरेशन क्या है, मिक्सिंग होती है, क्योंकि आपको पता है ऑइंटमेंट में बेस यूज़ करेंगे आप, मेडिकमेंट ऐड करेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, उनको मिक्स करेंगे आप. दे आर द मिक्सिंग मेथड्स. बेसिकली प्रिपरेशन मेथड आर द मिक्सिंग मेथड. मिक्सिंग बाय द फ्यूजन. नंबर वन इज इंग्रेडिएंट आर मेल्टेड टुगेदर. क्योंकि ये वैक्सेस हैं तो उन सबको मेल्ट किया जाएगा, स्टर किया जाएगा, होमोजेनाइज किया जाएगा. ठीक है, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट एंड ऑइंटमेंट बेसिस कंसेन कंपोनेंट्स सच एज जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है इनके अंदर मेडिसिन ऐड करना है, मोस्टली बी वैक्स, पैराफिन, स्टर अल्कोहल एंड हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल. वी डू नॉट लैंड देमसेल्फ वेल टू मिक्सचर बाय द इनकॉर्पोरेशन और प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन मेथड. एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन मेथड जब हम पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन मेथड एक अभी आप जो पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनकॉर्पोरेशन मेथड से सर्टेन ऑइंटमेंट बेसिस हैं जो कि नहीं बन पाती इनकॉर्पोरेशन मेथड से. जो अपने आप वी वैक्स हो गया, अगर पैराफिन यूज़ कर रहे हो और स्टरल अल्कोहल है एंड हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स है, वो इनकॉर्पोरेशन मेथड के थ्रू नहीं बन सकती. क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. ठीक है, दे नीड टू बी फ्यूज्ड. ठीक है, ये हार्ड होते हैं, सख्त हैं, डीलिंग करने में प्रॉब्लम है. तो जब तक आप इनको मेल्टिंग करेंगे, एम रूम टेम्परेचर हैंडल करना मुश्किल है. तो दे आर रादर देन इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन में आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट मिक्सिंग कर देते हैं ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर. और आगे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनकॉर्पोरेशन मेथड एंड फ्यूजन मेथड. फ्यूजन मेथड में हमको फ्यूज़ करना पड़ता है. फ्यूज़ का मतलब आपको पता है, कोई बीकर होगा, उसको वाटर बाथ में इसका 60 डिग्री टेम्परेचर होगा. ठीक है, उस पर रख के उसको फ्यूज़ किया जाएगा. जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाएंगे. फ्यूजन ऑइंटमेंट कंटेनिंग इंग्रेडिएंट विच आर क्वाइट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रिपेयर बाय द मेल्टिंग इंग्रेडिएंट. मैंने ये कहा ना, आपको सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, उनको मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द फ्यूजन मेथड. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने उनको पॉर्सलिन डिश में ओवर वाटर बाथ आपने फ्यूज़ कर लिया, फिर उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए. यही जो मैंने अभी आपको बातें बताई कि हायर मोलिकुलर में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मैंने उसे उस वक्त कहना था बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेसिकली. तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आपका फ्यूजन मेथड. Another mixing method is by incorporation of solid and liquid into an ointment base. इसमें क्या होता है, सिंपल
it's in a small scale extemporaneous compounding method in which the compound are mixed by using the mortar and pencil or by the spatula, jaisa ki aap is figure mein dekh rahe, which is used to rub the solid ingredient or liquid ingredient into the ointment base by using a ointment slab. ठीक है, सॉलिड मटेरियल जो है उनको सबसे पहले टैचुरेट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि उनका सेंस रिडक्शन किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद मेडिकलमेंट को स्मॉल अमाउंट में बेस में मिक्स किया जाएगा, फिर रिमाइंडर बेस जो है वो ग्रेजुअली ऐड की जाएगी, या फिर रिमाइंडर आपके पास जो मेडिकल है वो उसमें ऐड करके उसको कम्प्लीटली टैचुरेट करके ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर ऑइंटमेंट बेस में स्पैचुलेशन के थ्रू भी किया जा सकता है. ठीक है, अच्छा जी, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उनको लेविगेशन के थ्रू मिक्सिंग की जाएगी. अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रैचुरेशन एंड अ लेविगेशन. ठीक है, लेविगेशन एंड ट्रैचुरेशन दो मेथड्स में डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ याद रखिएगा. ट्रैचुरेशन में आप साइज रिडक्शन कर रहे हैं और मिक्सिंग का प्रोसेस कर रहे हैं बाई यूजिंग द मोर्टर एंड पेंसिल. ठीक है, और आप उसके अंदर ग्रेजुअली मेडिसिन जो आप उसमें इनकॉर्पोरेट आपको करनी है, वो चाहे पाउडर हो चाहे वो कोई सस्पेंशन हो, आप उसके अंदर ऐड करते हैं. सॉल्वेंट लिक्विड आपको वन बाय वन करके ऐड करते हैं, उसको साइड रिडक्शन करते हैं, उसके मिक्सिंग करते हैं. ठीक है, लेकिन लेविगेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर डिफरेंट विच इज़ यूज टू पार्टिकल साइज बाय ट्रैचुरेशन इन अ मोटर पेसू और स्पेचुलेशन के थ्रू भी किया जा सकता है ऑन ऑइंटमेंट स्लैब और अ पैड विद अ लिक्विड. ट्रैचुरेशन में आप जो इन्ग्रीडियंट आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप वन बाय वन ऐड करें, लेकिन जो लेविगेशन का प्रोसेस है उसके अंदर आप वो लिक्विड यूज़ करेंगे जिसके अंदर जो आपका मटीरियल है जो कि सॉलिड है, जो कि सॉल्यूट है एक्चुअली, आपने उसको डिसॉल्व करना है उसके अंदर, वो उस लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा. पहले उसको उसके साथ ट्रैचुरेट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्रिस्टलाइन मटीरियल है, आपको उसके ऑइंटमेंट बनानी है. लेविगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ओनली फॉर यूज द ऑइंटमेंट, इट कुड बी यूज इन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑल्सो. आपने क्या करना है, उसको आपने उसके अंदर ऑइंटमेंट जो भी आपका साइज रिडक्शन है वो आपने ऐसे मटीरियल में डालना, लाइक मिनरल ऑयल है या कोई ग्लिसरीन है, जिसके अंदर वो उसके साइज रिडक्शन ईजिली हो जाए, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, उसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो बल्कि एक उसका डिस्पर्जन टाइप बना दें. ठीक है, उसके बाद आप उसको बेस के ऊपर ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर डाल सकते हैं. आपने स्लैब के ऊपर अपना ऑइंटमेंट बेस डाला, बेस के ऊपर आपने जो साइज रिडक्शन की है मिनरल ऑयल या ग्लिसरीन डाल के वो आपने उसको ब्लेंड कर दी, फिर आपने स्पेशल से उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया. दैट इज़ व्हाट नेविगेशन प्रोसेस है. वो है दिस मेथड इज यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ इनसॉल्युबल मटीरियल व्हेन कंपाउंडिंग ऑइंटमेंट एंड बेस एंड सस्पेंशन. आप ऑइंटमेंट कर बना सस्पेंशन बना रहे हैं, इमर्जन बना रहे हैं, उसमें आप नेविगेशन के प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन मटीरियल्स के लिए ये याद रखिएगा. व्हेन इट इज नेसेसरी टू एड एक्वस प्रिपरेशन, अगर आपके पास एक्वस प्रिपरेशन है आपको यानी पानी वाटर, तो आप याद रखिए कि उसके अंदर आप पहले उसको हाइड्रोफोबिक बेस व्हेन यू आर नीड टू एड द एक्वस इनटू हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक वैसे ही वाटर रिपेलिंग है. अगर आपने उसके अंदर एक्वस प्रिपरेशन डाल दी और आपने उसको इनकॉर्पोरेशन मेथड के थ्रू मिक्स करने की कोशिश की, तो ऑइंटमेंट बेस अलग हो जाएगी और एक्वस प्रिपरेशन में अलग हो जाएगी. ऐसी कंडीशन में आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक बेस पहले ले लोगे, उसके अंदर उस लिक्विड को मोटर एंड पैसन में या स्पेशलेशन के थ्रू उसको मिक्सिंग कर देंगे, फिर उसके ऊपर हाइड्रोफोबिक समथिंग ऐसे होती है जिसके अंदर आपको हाइड्रोफोबिक बेस जो है वो पहले डालनी पड़ती है. ठीक है, फिर आप उसके अंदर एक्वस आप वो हाइड्रोफोबिक बेस के अंदर एक्वस प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले हाइड्रोफिलिक बेस ले लो, उसके अंदर एक्वस प्रिपरेशन. अच्छा, आपके पास हाइड्रोफिलिक बेस और हाइड्रोफोबिक बेसिस पीछे आप पसलिस मौजूद हैं. ठीक है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बीपीसी में भी मौजूद हैं. ठीक है, बीएनएफ में मौजूद है, नेट पे ऐड हो सकते हैं. तो देन ऐड टू द हाइड्रोफोबिक बेस Now this is packaging and storage and labeling.
क्योंकि ऐसी बात है, कोई सोल्यूशन है, सस्पेंशन तो है नहीं जो आपको पोर करना है, इट्स एन ऑइंटमेंट, तो इसके लिए डेफिनेटली वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑइंटमेंट जार और मेटल और प्लास्टिक ट्यूब जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी। या तो उनको प्लास्टिक ट्यूब्स में डिस्पेंस किया जाएगा या फिर उनको ऑइंटमेंट जार्स में किया जाएगा। ठीक है, सब वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, कूल प्लेस पर रखना चाहिए और हीट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बेस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मेडिसिन है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या आपके पास पॉलीथाइनिंग डायकॉल है मास्टर एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर आपको पहले पता है रियोलॉजी चेंजेस आ जाते हैं, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर लाइफ सेंसिटिव मटेरियल आपने कहीं ऐड कर दिया तो लाइफ कंटेनर ज़रूर आपको यूज़ करना पड़ेगा। इन एडिशन टू यूजुअल लैबलिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि ऑइंटमेंट वाली है, सेंट्रल ऑइंटमेंट क्रीम जिनको टाइप ऑफ द बेस, अक्सर हम उसमें बेस के बारे में भी लिख देते हैं कि जिसके अंदर ये बेस यूज़ किया गया। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि उससे पेशेंट को ये पता चल जाता है कि भाई ये ग्रीसीनेस इसके अंदर है या नहीं, या वाटर वॉशेबल है या नहीं। तो इसमें जो हम बेस यूज़ करेंगे वाटर वॉशेबल ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसका सीज ऑफ द फाइनल डिवाइडिंग पार्टिकल मेडिकमेंट विच इज कम्बाइंड विद द सॉफ्ट पैराफिन लिक्विड पैराफिन विद अ नॉन ग्रीसी बेस दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्रीस नॉन म्यूसिलेजन सोर्स, यूजली दे आर थिक एंड डू नॉट मेल्ट ऑन द रूम टेम्परेचर एंड रिमेन ऑन द एरिया फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। They contain the high proportion of the powder ingredient, like 25%. Therefore, they are normally stiff. They do not spread easily. They give the localized delivery of a drug. Paste are usually used for absorbing harmful chemical substances. Okay. Mostly diapers में इसको incorporate किया जाता है ताकि diaper rash control करे। इसके अलावा ये wound exudates जो है उनको भी absorb करता है। The most common example which are dispensed as zinc oxide paste and the toothpaste. Zinc oxide paste जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट द स्किन डिसऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग डैमेज। और भी बहुत सी एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जिंक ऑक्साइड के लिए और स्किन इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सेम एज द ऑइंटमेंट, डिस्पेंसिंग इज सेम एज द ऑइंटमेंट। ठीक है, एंड स्टोरेज इज द सेम, इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है और बहुत ज़्यादा हीट ना हो। अगर कोई हीट सेंसिटिव मटीरियल आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं स्किन के फेस में, तो फिर आपको लाइक मल्टीविटामिन वगैरह समटाइम्स ऐड किए जाते हैं ऑइंटमेंट्स में और क्रीम्स सॉरी पेस्ट वगैरह में फॉर द लोकलाइजेशन, तो उसको भी आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चूँकि इतने वास्तवी पेस्ट वगैरह डिस्पेंस नहीं किया जाता, ऑइंटमेंट बहुत the summary of the lecture.